Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी। तो कई बार हम लोग अपने स्किन का तो ध्यान रख लेते हैं, अपने फेस का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन इग्नोर हो जाता है हमारा बॉडी स्किन। अगर सिर्फ आपका फेस चमकता रहे और बॉडी स्किन बिल्कुल रफ एंड ड्राई हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी स्किन एज वेल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल, बस 2 or 3 steps को फॉलो करते ही आप कैसे अचीव कर सकते हैं ग्लोइंग और क्लियर बॉडी स्किन एज वेल। एंड दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, मेन ऑल्सो कैन फॉलो दीज स्टेप्स, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये बहुत इजी है। तो मुझे पता है कि बॉयज डोंट वॉन्ट ऑल दीज हैसल्स एंड ऑल। वीक में एक बार आप इसे फॉलो करें तो भी चलेगा, अगर उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो मंथ में 2 times अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर भी आपका जो बॉडी स्किन है वो क्लियर रहेगा, आपकी बॉडी हमेशा क्लीन रहेगी एंड ग्लोइंग रहेगा। सो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लियर करना है। आई ऑलवेज प्रेफर बॉडी के ऊपर डीप क्लैरिफाइंग फेस वॉश। ये फेस वॉश मुझे काफी ज्यादा पसंद है और पर्सनली मुझे सूट भी किया है, एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, क्योंकि मेरे घर में मम्मी ने, मेरी दीदी ने ट्राई किया है एंड सभी को ये सूट किया है। हालांकि हम सबके स्किन टाइप्स अलग है। दिस बॉडी के ऊपर डीप क्लैरिफाइंग फेस वॉश, इसके अंदर है हाइलूरोनिक एसिड जो हमारे स्किन को क्लियर बनाता है। क्लियर करने के साथ साथ फेस को अच्छे से हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि ड्राई आउट कर देता है। दिस फेस वॉश फॉर्मुलेशन ऑल्सो हैज विटामिन ई जो पॉल्यूशन बॉर्न फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करता है, हमारे स्किन को एजिंग से प्रिवेंट करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि मेन है, वुमेन है, एवरीवन कैन यूज दिस फेस वॉश। और आप सबके तो पता है कि बॉडी क्यूपिड के प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम सल्फेट, पैराबेंस एंड केमिकल्स, सो डेफिनेटली टीनेजर्स भी इस फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर क्लीनिंग योर फेस हम फिर अपने बॉडी की तरफ बढ़ेंगे। बॉडी पॉलिशिंग के फर्स्ट स्टेप है शावर जेल, एंड आई लव दिस शावर जेल। दिस इज बॉडी क्यूपिड वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बाथ एंड शावर जेल। सो इसमें भी एसेंशियल ऑयल्स है जिसकी वजह से ये बॉडी को ड्राई नहीं बनाता, ये स्किन को एकदम नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग करता है। एंड इसमें सल्फेट, पैराबेन, कुछ भी केमिकल्स वगैरह नहीं है। बहुत अफोर्डेबल रेट में आपको ये 200 ml का ट्यूब मिल जाएगा। एंड इसका फ्रेग्रेंस, मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है एंड इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, इट्स लाइक प्योर स्ट्रॉबेरी। तो इससे ही पता चलता है हाउ नेचुरल इट इज। एंड इसमें शिया बटर है जो कि आपके बॉडी को क्लीन करने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। जब भी मैं इस शावर जेल को इस्तेमाल करती हूँ मेरे स्किन में एक अलग सा ग्लो आता है, एक अलग सा रेडियंस प्रोवाइड होता है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस वन टू ईच एंड एवरी वन। अगर मैन को ये वाला फ्लेवर पसंद नहीं है तो और भी फ्लेवर्स अवेलेबल है, सो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, डू चेक इट आउट। बॉडी स्क्रब, नाउ बॉडी क्यूपिड चॉकलेट बॉडी स्क्रब इज माय फेवरेट। आप सभी को पता है कि चॉकलेट स्किन के लिए कितना अच्छा है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, स्किन को क्लियर बनाता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। लाइक हमारे हैंड्स में कई बार रिंकल्स हो जाते हैं, ड्राई पैचेस हो जाते हैं, तो उसको चॉकलेट रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। सो दिस चॉकलेट बॉडी स्क्रब, आई वॉन्ट टू सजेस्ट दिस टू ईच एंड एवरी वन, मैन, वुमेन, टीनेजर्स, एवरी वन। एंड इसमें कोई सल्फेट, पैराबेन कुछ भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल है विच इज रियली गुड टू नरिश आवर स्किन। यू कैन यूज दिस ट्वाइस ईच वीक, अगर उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंथ में 2 times जरूर इस्तेमाल करें। सो आपको जस्ट सिंपली इसे रब करना है अपने होल बॉडी पर, नेक पर एंड हैंड्स, लेग्स, हर जगह पर। एंड उसके बाद जस्ट लीव इट फॉर अराउंड फॉर 1 minute एंड देन वॉश ऑफ। समर्स है, विंटर्स है, मॉनसून्स है, अभी तो हर सीजन में बॉडी लोशन इज रियली इम्पोर्टेंट। मैं पहले ये समझती थी कि बॉडी लोशन आर ओनली फॉर विंटर सीजन, लेकिन समर्स में जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसमें अगर हम लोग पैम्पर नहीं करेंगे, बॉडी लोशंस या बॉडी बटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे स्किन में रिंकल्स की प्रॉब्लम और भी जल्दी आ जाती है विच लीड्स टू एजिंग। सो आई डोंट वॉन्ट दैट, तो मैंने तो हर सीजन में बॉडी लोशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड दिस वन इज माई फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट। इसमें जो कोको का स्मेल है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। आई लव चॉकलेट एज आई हैव सेड बिफोर। सो अगर आपको चॉकलेट पसंद है देन ट्राई दिस वन। दिस इज बॉडी क्यूपिड कोकोनट मिल्क एंड कोको बटर हैंड एंड बॉडी लोशन। इसमें शिया बटर है, यू नो शिया बटर इज सो नरिशिंग। इसमें प्रीमियम बोटानिकल ऑयल्स है एंड ये मिनरल ऑयल फ्री है, पैराबेन फ्री है, केमिकल्स फ्री है।
सो मेन वुमेन एवरीवन कैन यूज दिस, लेकिन अगर आपको ये वाला वेरिएंट पसंद नहीं है तो आप दूसरे वेरिएंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, इसको अच्छे से अपने होल बॉडी पर, अपने हैंड्स एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड यू विल सी कि ये इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में, कोई पैची या ऑयली फिनिश भी नहीं देता। दैट्स द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट दिस बॉडी लोशन। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।